ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सचरित्र अध्याय 7, अद्भुत अवतार, श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापरडे के पुत्र को प्लेग, पंडरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएँ जिनमें धोती क्रिया, 1 3 इंच चौड़े और 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंड योग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो वे आकृति से यवन प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदन उत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन और विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धाम से मनाते थे। ईद के दिन में मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने और कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहां रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहां से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें वे हिंदू थे तो वे सुन्नत कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चंदोरकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। साई लीला पत्रिका श्री वी वेदेव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू, पृष्ठ 562 को देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहे तो वे सदा वहाँ धुनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे कि चक्की पीसना, शंख, घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान, अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो वे कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेश का पता लगाए गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मित हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु, इसका निर्णय कोई ना कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो अहम और इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है, तब उसे ईश्वर से अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रहती। इसी कोटि के थे श्री साईं बाबा। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति नहीं की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ, उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्ष जन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते, उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्रंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक ना जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में थे कौन। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुहे व्यापार को पूर्णतया जानते थे, और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परम ब्रह्मा मानते थे। बाबा की प्रकृति, मैं मूर्ख जो हूँ, श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्रायः समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्वार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था, उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छता पूर्वक वितरण कर दिया करते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा रहती थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणत हो गई। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे।
वे कभी स्नान करते, कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती, तन ढांकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में भी वे गांव में चिकित्सा का कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई, उसमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे गांव में डॉक्टर कहाँ? तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध, कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग में लाते हैं, परंतु बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलवा पिसवाकर उसकी दो गोलियां बनवाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्रायः निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ दी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थी, उनमें से केवल दो का ही यहाँ उल्लेख किया जाता है। धोती क्रिया, आते स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 इंच चौड़े और 22.5 इंच फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उधर में उतार दिया जाता है तथा उसे लगभग आधे घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल देते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंग को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हो गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि वे लौटकर ग्राम अधिकारी के पास ये सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद गए तो बाबा को पूर्ववत हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसे लगा कि पिछले दिन जो दृश्य उन्होंने देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता ना कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों से सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही घटना नीचे दी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता और महान दयालुता की द्योतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सर सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे और साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधवराव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने यह सब क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्टी धोंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर से बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह शीघ्रता से वहाँ दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देश पांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लेंट और पट्टियाँ आदि लेकर शीघ्रता से शिरडी को गए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त बागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उन्हें पूर्ववत कसकर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहेब चंदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जाँच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारम्बार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया।
डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में ना खुल सकीं और ना ही उनका उपयोग हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम भाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागो जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के उपरांत जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात ना हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल धृत से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना, श्री साईं बाबा की समाधि पर्यंत यह कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहा। श्री साईं बाबा सदृश पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागो जी की यह सेवा निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लेंडी को जाते तो भागो जी छाता लेकर उनके साथ हो जाया करते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागो जी वहाँ पहले से ही उपस्थित रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागो जी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोगी से पीड़ित थे। उनकी उंगलियाँ गल चुकी थी और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था जिससे दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे दुर्भाग्य प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। बालक खापरडे को प्लेग। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापरडे अमरावती के श्री दादा साहब खापरडे की पत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित था, पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापरडे भयभीत हो घबराने लगीं और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगीं। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े, जो अब समाधि मंदिर कहा जाता है, के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगीं कि मेरा पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेमपूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्ववत स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर चार गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम और मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों से प्रेम करते और उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। पंडरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही जान लेते थे, इसका वर्णन कर मैं यह अध्याय समाप्त करूंगा। नाना साहेब चंदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदूरबार के एक मामलतदार थे। उनका पंडरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंडरपुर, जो भैवकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग सदृश समझा जाता था, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया था। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्वत या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंडरपुर में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना ना थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहेब नीमगांव पहुंचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर था, है बाबा पास बैठे हुए मालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई। बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंडरपुर के द्वार खुले हुए हैं, यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। बंडरपुरना जाए छे जाए छे, तिछले मजला राय छे, तिछेज मजला राय छे, घरते मजिया राय छे। सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ, मुझे पंडरपुर जाकर वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते। कुछ समय में नाना साहेब ने वहाँ सकुटम पहुँच कर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंडरपुर पधारने और वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहेब को बतलाया कि बाबा पंडरपुर वास के भाव में पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहेब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा, उदी और आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंडरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएँ अनंत हैं, अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बायजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।